अगर ये वीडियो पूरी लास्ट तक झेल गए ना तो समझ जाना पोर्ट फॉरवर्डिंग हमेशा के लिए आ जाएगी। क्या होता है, कैसे करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। ये वीडियो आपको तब काम आने वाली है अगर आप बाहर से कहीं से भी मोबाइल डेटा या फिर दुनिया में कहीं से भी घूमते हुए अपने कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो या फिर अपनी वेबसाइट को यहां से अपने घर से होस्ट करना चाहते हो या फिर किसी गेमिंग में आप अपना करियर आगे देख रहे हो क्योंकि काफ़ी सारे गेम्स में पोर्ट फॉरवर्डिंग का यहाँ पर नीड पड़ती है। इस वीडियो में समझने वाले हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग होता क्या है, करते कैसे हैं। बेसिकली इस वीडियो में एक पूरा ट्यूटोरियल आपको दूंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर पे एक डेडिकेटेड सेक्शन या फिर भले पूरा कंप्यूटर आप डेडिकेट कर सकते हो एक सर्वर पे। इसका मतलब कि आप बाहर में दुनिया में कहीं पे भी घूमते हुए आप पोर्ट फॉरवर्डिंग को यूज करके अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, अपने डेटा को डाउनलोड अपलोड कुछ भी कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्क्रैच टेक हिंदी। Started. तो सबसे पहले ना यार दोस्त, सबसे आसान भाषा में इस इंटरनेट का बेसिक समझते हैं कि दो दुनिया यहाँ पे बेसिकली चल रही हैं। ये वैसे चार हो गई, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे बाहर की दुनिया हो गई जिसको हम वैन बोलते हैं और एक अंदर की दुनिया हो गई जिसको हम लैन बोलते हैं। इन दोनों दुनिया को बीच में हमारा वाईफाई राउटर कनेक्ट करता है जिसको एक आईपी एड्रेस मिली हुई है हमारे आईएसपी से, करेक्ट। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है कि बाहर की दुनिया में सारे वो चीज़ें हो गई जो इस राउटर से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि आप किसी दूसरी लोकेशन से या अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट करोगे तो ये आपके राउटर से कनेक्टेड नहीं है, तो ये वैन का नेटवर्क हो गया। वहीं पर अगर आप अंदर की दुनिया यानी हमारे सारे फोन्स जो इस वाईफाई से कनेक्टेड हैं, टीवी कनेक्टेड है, हमारा पीसी अगर लैन से कनेक्टेड है, तो ये सारी चीजें जो हो गई वो लैन के नेटवर्क पे हो गई। तो यहां पे करना क्या है, अब हमारे केस में हमको क्या करना है कि हमको बाहर की दुनिया से हमारे अंदर की दुनिया के किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस जो कि हमारा कंप्यूटर होने वाला है इसको टारगेट करना है और यहां से सारा का डेटा डाउनलोड और अपलोड करना है। तो ये चीज इस राउटर को समझानी पड़ेगी कि भाई हम एक एफटीपी सर्वर बनाया हमने और हमारे इस पर्टिकुलर एक कंप्यूटर को हमने अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, तो अगर बाहर की दुनिया से कोई भी रिक्वेस्ट एफटीपी चिल्लाता हुआ आ जाए तो उसको सीधा कंप्यूटर पे भेजना, अदर किसी डिवाइस को डिस्टर्ब मत करना। सिर्फ इसी चीज को हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं और इसी को आज हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। बेसिकली जो हम कॉन्फ़िगरेशन यहां पे करेंगे वो पोर्ट्स की करेंगे। अब पोर्ट्स क्या होते हैं, काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं बहुत सारी तरीके की, जैसे कि एचटीटीपी हो गया, एसएसएच हो गया, टेलनेट हो गया, इसके अलावा गेम्स के काफी सारे पोर्ट्स होते हैं, एफटीपी सर्वर हो गया। हर पोर्ट का एक अलग नंबर होता है और वो नंबर हमको यूज करना होता है बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को जोड़ने के लिए। सपोज करो हमने अपने कंप्यूटर पे एफटीपी सर्वर बनाया, एफटीपी सर्वर का पोर्ट नंबर होता है 21। अब बाहर की दुनिया से हम जब एक्सेस करेंगे तो बाहर वाले को बताएंगे कि भाई 21 नंबर हमने अपने लिए आपके काम के लिए ओपन रखा हुआ है, और राउटर को बता देंगे कि भाई 21 नंबर पोर्ट बाहर और 21 पोर्ट नंबर अंदर, कि आप इन दोनों को जोड़ दो, अगर बाहर से कोई 21 चिल्लाता हुआ है तो 21 नंबर हमारे कंप्यूटर पे भेज देना, प्रॉब्लम सॉल्व। ये चीज हम जो कॉन्फिगर करते हैं इसको बोलते हैं पोर्ट मैपिंग, और इसी को हम बोल देते हैं आगे इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग, कि बाहर से आया और इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया अपने इस पर्टिकुलर डिवाइस पे, इसको हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कह देते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए बेसिकली सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो आपके नेटवर्क की स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। ये स्टैटिक आईपी आपको आपके आईएसपी से बात करनी पड़ेगी। इनकेस अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, काफी सारे आईएसपी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, कोई कोई चार्ज लेता है, जैसे कि एयरटेल जियो शायद चार्ज लेते हैं। तो मैंने अभी यहां पे अपना आईएसपी जो है एयरटेल, इनसे एक स्टैटिक आईपी ली हुई है जो कि शायद 99 rupees पर मंथ के मुझे चार्ज पे दी गई है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि स्टैटिक आईपी क्यों, अगर हमारी डायनामिक आईपी है तो ऐसे में हम क्यों इसको नहीं कर सकते। स्टैटिक आईपी दोस्तों इसलिए चाहिए होगी क्योंकि हमारा एड्रेस परमानेंट होना चाहिए। अगर हम बाहर की दुनिया से कहीं आना, जैसे सिंपली समझ लो हमारा घर हमारा परमानेंट एड्रेस है, अगर हम हर हफ्ते यहाँ पे लोकेशन अपनी चेंज करते रहेंगे तो बाहर से कोई गेस्ट आएगा या कोई भी आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा हम कहाँ रह रहे हैं। वही केस डायनामिक आईपी में है, रोज जैसे राउटर रीस्टार्ट होता है या एक भी बार कभी भी रीस्टार्ट हो गया किसी का 24 घंटे में हो जाता है तो वो आईपी चेंज हो जाती है। वो चेंज ना हो और स्टेशनरी रहे इसी के लिए हमको स्टैटिक आईपी लेनी पड़ती है। अब जो स्टैटिक आईपी आपने ले ली तो ऐसा कुछ नंबर सा आ जाएगा आपके पास, और ये नंबर कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आपके लिए मुश्किल है याद रखना तो आप इसको एक अपने नाम में कन्वर्ट कर सकते हो। नाम में कन्वर्ट करने के लिए noip.com जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप सिंपली अपनी आईपी डालोगे, वहाँ पे आपको एक फ्री में नाम कन्वर्ट करवा के दे देगा, जैसे कि xyz
chat.com इस तरीके का कोई आप नाम सिर्फ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी मैं इसमें नो आईपी वाले सेगमेंट में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ आईपी से बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि ये आईपी हाईली कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और आपके लिए आप अपने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक या दो डिवाइसेस पे यूज़ करोगे, तो वो मैं आपको सेव करने की ट्रिक यहाँ पे बताई दूंगा। तो फटाफट से अब ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं कि क्या क्या हमको अपने सिस्टम पे सेटिंग्स करनी पड़ेंगी एफटीपी सर्वर बनाने के लिए, और बाहर से कैसे उसको एक्सेस करेंगे, इस पोर्ट फॉरवर्डिंग को कैसे सेट करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में फटाफट से शुरू तो कर ही दिए। तो दोस्तों हम आ गए अपने सिस्टम पे। सबसे पहले आप अपने स्टार्ट के सर्च में यहाँ पे लिख दो विंडोज फीचर्स। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो या कोई आपको दिक्कत आ रही है तो ये आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिल जाएगा, और ये विंडोज़ फीचर्स में आपको सर्च करना है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप जैसे इस पे प्लस के बटन पर दबाओगे तो आपको ये फीचर यहाँ पे दिख जाएगा FTP सर्वर। आपको सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना है, यहाँ पे बॉक्स बन के आ जाएगा और नीचे अंदर दोनों पे टिक लगा देना है, सर्विस और एक्सटेंसिबिलिटी। तो दोनों पे आप जैसे ही टिक कर दोगे तो यहाँ पे चेंजेस बोलेगा हम कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपका कंप्यूटर यहां पे रीस्टार्ट करवाए, अगर करवाए तो कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा पार्ट दोस्तों यहां पे नीचे आप सर्च में लिख दो IIS, जो कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से यहां पे ऐप आ जाएगी, इनबिल्ट होती है। अगर नहीं मिले आपको सर्च में तो कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके का कुछ बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड FTP साइट। तो यहाँ पे आप FTP साइट ऐड कर देंगे, यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं, मैं कर देता हूँ सिंधी, और यहाँ पे आप डायरेक्टरी बोलेगा कि आपको कौन सा डेटा शेयर करना है या कौन सी ड्राइव शेयर करनी है या कौन सा फोल्डर शेयर करना है जिसको आप डाउनलोड अपलोड कर पाओ बाहर की दुनिया से कहीं से भी। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पर्टिकुलर पकड़ लेता हूँ जिसका नाम है YT Pics। तो ये वाला मैं फोल्डर ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको अलॉट कर दिया मैंने, और सिंपली नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे बाइंडिंग में यहाँ पे IP एड्रेस पूछ रहा है, IP एड्रेस में आपको वो एड्रेस डालना है जो आपके इस कंप्यूटर का अभी IP एड्रेस है, जो आपको LAN नेटवर्क के ऊपर मिला हुआ है। अब सपोज करो मेरे को नहीं पता मेरा IP एड्रेस, मेरे 10 डिवाइसेज हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे IP पूरी लिस्ट हो रही है। तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपली CMD खोल लो, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दो IP config, और IP config में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो वायरलेस इसमें ढूंढ लेना हेडिंग, मैं यहाँ पे ईथरनेट से कनेक्टेड हूँ तो ईथरनेट की हेडिंग है ईथरनेट अडेप्टर ईथरनेट। तो यहाँ पे जो IPv4 के ऊपर जो एड्रेस लिख रहा होगा ये है आपके इस कंप्यूटर की अभी वाली IP एड्रेस जो हमको यहाँ पे इशू करनी है। इसका मतलब हम साइट को बता रहे हैं कि ये जो सारा डेटा है ये इस वाले IP एड्रेस के ऊपर हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे नो SSL कर लो। अगर आप ये किसी कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे SSL रिकमेंडेड है, यूज़ करिएगा। इसके बाद सिंपली इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन लगा दो, और यहाँ पे पूछेगा कि एक्सेस किस किस को देना है, तो मैं यहाँ पे सारे यूज़र्स को दे देता हूँ। अब ये यूज़र्स कैसे डिफाइन होंगे कि कौन कौन से यूज़र्स को है नहीं है, वो मैं भी आगे और बताता हूँ। तो यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि आप अपलोड भी कर लो डाउनलोड भी कर लो, सिंपली फिनिश कर दो और यहाँ पे छुट्टी, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे काम नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो FTP सर्वर हम बनाते हैं ये हमारा जो कंप्यूटर का फायरवॉल होता है या ISP का जो फायरवॉल होता है ये इस चीज़ को ब्लॉक करता है। अब इसको हमको बताना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी सिस्टम को कि भाई हमने FTP सर्वर बनाया है, इसको आने देना, बाहर से कोई आए तो कोई दिक्कत मत करना। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे सर्च में लिख दो नेटवर्क प्रोटेक्शन, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन नाम की ये वाली विंडो आ जाएगी अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो तो, नहीं तो कंट्रोल पैनल में एज यूजुअल आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अलाउ एन ऐप थ्रू फायरवॉल, तो यहाँ पे ये ऐप का सिस्टम खुल जाएगा कि फायरवॉल से कौन कौन सी चीज़ें हमको एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करो और FTP सर्वर यहाँ पे ढूंढना है हमको। तो ये FTP सर्वर हमको मिल गया, यहाँ पे दोनों पे टिक कर देना। तो ये दोनों पे टिक कर दिया हमने और ये FTP सर्वर हम जैसे ही ओके कर देंगे तो अब ये फायरवॉल से भी पास हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, हमने कंप्यूटर को बता दिया है सारा डेटा, हमने बता दिया कि कौन सा फोल्डर हम शेयर कर रहे हैं और अलाउ भी कर दिया कि बाहर से कोई आए तो नेटवर्क या सिक्योरिटी वाले लोग उसको रोके नहीं। अब यहाँ पे हमको अपने राउटर को समझाना पड़ेगा कि बाहर से अगर इस तरीके की रिक्वेस्ट आए तो इस कंप्यूटर के ऊपर भेजना भैया, और कहीं मत भेजना। उसके लिए आपको अपने राउटर का कॉन्फिग पेज खोलना पड़ेगा, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो ये मेरा राउटर का कॉन्फिग पेज है, ये एड्रेस आपको पता ही होगा, नहीं तो पुरानी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा कैसे ढूंढना होता है ये एड्रेस। तो ये मैंने लॉगिन यहाँ पे कर लिया,
इसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये मैं एयरटेल के ऊपर कर रहा हूँ, अगर सेम आपका राउटर है तो वेल एंड गुड, अगर आपका कोई और है तो सिमिलर आपको फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग या पोर्ट मैपिंग के नाम से ऑप्शन ढूंढना होगा। तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मेरे से प्रोफाइल बनवा रहा है, हो सकता है आपके थोड़ा सा चेंज हो लेकिन बॉक्सेस सेम होंगे जिसके अंदर हमको डिटेल्स पुट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे न्यू प्रोफाइल बनाई, यहाँ पे हमने FTP सर्वर बनाया, तो एप्लीकेशन में FTP सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखो इतने सारे तरीके के होते हैं, तो हम यहाँ पे FTP सर्वर यूज़ कर रहे हैं, FTP सिलेक्ट कर लिया। एक कोई भी आप रैंडम नेम दे दो इसके लिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ MyFTP लिख देता हूँ, चलो। इसके बाद यहाँ पे इंटरनल होस्ट पूछेगा, इंटरनल होस्ट मतलब कि आपके अंदर के जितने अंदर की दुनिया के डिवाइसेज हैं उसमें से कौन सा वाला आप इसमें अटैच करना चाह रहे हो। तो हमारे केस में हम इस कंप्यूटर पे हैं और कंप्यूटर की आईपी हमने चेक कर ली थी 192.168.1.2 थी हमारे केस में, आपके में अलग हो सकती है, आप उस हिसाब से परफॉर्म करना। लेकिन यहाँ पे ये ना सारे मैक एड्रेस दे रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास ये कुछ 10-12 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इसमें से आप मुझे नाम में से बता दो। अगर आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है तो ठीक है, अगर मैक एड्रेस हो रहा है तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, CMD फिर से चले जाओ और यहाँ पे लिख दो IP config /all। तो यहाँ पे क्या होगा कि कनेक्शन की सारी डिटेल्स दे देगा। हम अभी लैन से जुड़े हुए हैं तो ईथरनेट अडैप्टर ईथरनेट में यहाँ पे हमको फिजिकल एड्रेस इसने दे दिया 7085। ये हमारा बेसिकली यहाँ का मैक एड्रेस है जिससे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर का हमारा मैक एड्रेस पता चल गया 7085। तो यहाँ सिंपली हम 7085 वाला शो कर रहा है और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने आईपी दिखा दी, भाई आपकी इंटरनल आईपी ये वाली सिलेक्ट है। तो इसको हमने अंदर वाला डिवाइस बता दिया। इसके अलावा प्रोटोकॉल में आप TCP UDP सिलेक्ट कर लेना और एक्सटर्नल और इंटरनल पोर्ट दोनों में ही 21 to 21 रहेगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो गई आपकी पोर्ट मैपिंग, अब सिंपली हमारा सिस्टम रेडी है बाहर से यूजर्स को एंटरटेन करने के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे राउटर्स में ऐसे फीचर्स होते हैं कि जैसे मैं अपने राउटर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे में तो सिक्योरिटी में मेरे पास डिवाइस एक्सेस कंट्रोल के नाम से फीचर है जिसमें ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई बाहर की दुनिया से FTP कोई आए तो आने देना है कि नहीं आने देना है। राउटर लेवल पे हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो मैंने इसको हाल फिलहाल FTP के लिए ऑन कर दिया है। हो सकता है आपके राउटर में भी इस तरीके की कोई सेटिंग हो तो उसको ऑन कर लेना। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और है, हमारा राउटर जब भी रीसेट होता है तो क्या होता है कि हमारा राउटर अंदर के डिवाइसेस जो होते हैं DHCP सर्वर जिसको हम बोलते हैं, हमारे डिवाइस इंटरनल डिवाइसेस के एड्रेस चेंज करता है। तो टू बी सेफ हम यहाँ पे अपने राउटर को भी बोल देंगे कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है उसको 192.168.1.2 वाली जो हमने एड्रेस दी हुई है इसको फिक्स कर दो हमेशा, जब भी अगर आप रीस्टार्ट भी हो रहे हो तो आप इसको ये वाली एड्रेस ही दोगे, चेंज नहीं करोगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, अपनी लैन की सेटिंग्स में जाओ और DHCP के स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, मैक एड्रेस डाल दिया अपने कंप्यूटर का और IP एड्रेस दे दी जो मुझे हमेशा के लिए इसके ऊपर फिक्स रखनी है। आप इसको अप्लाई कर दो और हो सकता है आपके में और भी इजी मेथड हो तो आप इसको यहाँ पे स्टैटिक कर लेना, ये और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको काम करेगा। अगर आपकी IP कंप्यूटर की चेंज हो रही है आपके राउटर से तो ये आपकी पोर्ट फॉरवर्डिंग पूरी फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ज़रूर फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अब सेट हो गई हैं, अब सिर्फ हमको एक्सेस करके देखना है कि हमको एक्सेस मिल रहा है या फिर नहीं। अब बात आ गई कि कौन एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा, उसके लिए हमको चाहिए यूज़र्स। यूज़र्स के लिए क्योंकि हमने ये विंडोज़ के इन बिल्ट सिस्टम के ऊपर ही अपना बनाया है, तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर लिख लो ऐड यूज़र्स। तो ऐड यूज़र्स के नाम से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम सेटिंग्स में, ऐड एडिट और रिमूव यूज़र्स, जो कि आपको कंट्रोल पैनल से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर ऐड है और बेसिकली आप इसमें कितने भी ऐड कर सकते हो, ऐड फैमिली मेम्बर पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये एरर आ रहा है कि मेरे सिस्टम पे स्पेस नहीं है इसलिए ये ऐड नहीं कर पा रहा, लेकिन आप इजीली कर पाओगे। बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी मेंबर ऐड करोगे उसका माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का। और सिंपली मैंने अभी यहाँ पे मेरा एक यूज़र यहाँ पे बना हुआ है, अब मैं इस यूज़र से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे चीज़ें काम करेगी। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपली आप कोई भी अपना एक्सप्लोरर खोलो, एक्सप्लोरर में यहाँ पे लिख दो FTP:// और यहाँ पे अपनी आईपी एड्रेस डाल दो जो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपने स्टैटिक आईपी ली है। तो यहाँ पे मेरी स्टैटिक आईपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको कोलन लगाना है, कोलन का मतलब आगे पोर्ट नंबर लिखना है और यहाँ पे 21 लिखना है जो कि हमारा FTP सर्वर है।
तो इससे हम बता रहे हैं कि इस वाले एड्रेस पे FTP सर्वर हमको एक्सेस करना है। आप जैसे ही एंटर करोगे ये बोलेगा कि भाई FTP सर्वर मिल गया है और यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम अपना डाल दिया है, पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और सिंपली सारी फाइल्स आपकी खुल जाएंगी जो हमारे उस फोल्डर में एडेड थी। तो ये आप पूरी दुनिया में किसी भी कंप्यूटर कैसे कर सकते हो, सेटिंग्स पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आप इसको अपने फ़ोन से सपोज करो कि आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो फ़ोन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली चले जाओ इस फाइल मैनेजर नाम की ऐप पे, सिंपली आप इसको क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि मैं अभी मोबाइल डेटा पे कनेक्टेड हूँ, इसका मतलब मैं बाहर की दुनिया पे हूँ और मैं अब ये डेटा कैसे एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की आइकन्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आप रिमोट पे ऐड कर लो क्योंकि आप बाहर से इसको एक्सेस करना चाह रहे हो। रिमोट लोकेशन ऐड करो, यहाँ पे FTP सिलेक्ट करो। FTP के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपनी IP एड्रेस डालो जिस राउटर को आप पिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी IP एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे पोर्ट पूछेगा कौन सा है, इसका मतलब हम FTP सर्वर वाला पोर्ट डालेंगे। डिफॉल्ट FTP पे 21 सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला यहाँ पे ऐड किया था वही सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे सिंपली पूरी की पूरी फाइल्स जो हैं आपके सामने आ जाएंगी और आप देख सकते हो सारी की फाइल्स आ गई। सपोज करो मुझे ये फाइल खोल के चेक करनी है, लो तो ये देखो पूरी की पूरी फाइल आ गई है कंप्यूटर और मैं अपने मोबाइल डेटा पे कनेक्टेड हूँ। तो ये इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सपोज करो आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर से इस कंप्यूटर के ऊपर डेटा अपलोड करना है तो आप कोई भी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। सपोज करो ये नाम है फ्री है, ले लो ले लो पता नहीं क्या सोच के मैंने नाम रखा है। तो उससे पहले इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो ये फ्री एयरपोर्ट्स की मेरी फाइल है जो मैंने वेबसाइट पे यूज़ करी थी। तो इसको मैं सम्पोज करो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं अपने रिमोट लोकेशन पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो दोस्तों ये फाइल पूरी कॉपी हो जानी चाहिए और F की सीरीज़ में आपको ये फाइल मिल जानी चाहिए जिसका नाम है फ्री है ले लो ले लो, ये रही। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम अपने चलते हैं सिस्टम पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ये उस वाले फोल्डर के अंदर फाइल आई या नहीं आई। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और चलता हूँ YTPix नाम के फोल्डर को जिसको हमने सिलेक्ट किया था, ये वाला फोल्डर है YTPix और इसके अंदर सर्च करते हैं फ्री है ले लो ले लो। तो दोस्तों देखो ये फाइल आ गई है यहाँ पे फ्री है ले लो ले लो। तो यहाँ पे ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तो दोस्तों ये है पूरा पोर्ट फॉरवर्डिंग का सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें एक ब्लॉग लिखा हुआ है पूरा, बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स के साथ पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। आप उसको वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो अगर आप ये चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो। एंड बाय द वे अब हम ट्विटर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों पे ही एक्टिव हैं, आप तीनों पे किसी पे भी पिंग कर सकते हो, फॉलो बैक कर सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी भाई। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सकास्टिक सिंधी। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं, टिल देन स्टे सेफ स्टे सकास्टिक, सी या।